को ऐसे ही पीना है विद द शेल इटसेल्फ, इसी के साथ मसाले के साथ ऐसे ही पूरा पीना है। इसके बाद कोई स्ट्रॉ नहीं मिलेगी आपको, कोई स्पून नहीं मिलेगी। आप डायरेक्ट पीजिए इसको मसाले के साथ, इसका टेस्ट बहुत गजब आता है। आप ट्राई कीजिए सर इसको। तो ये है, आज मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो हम बचपन में खाते थे, पेरू के साथ मसाले का जो मिक्सचर रहता है, तो हम उसको पेरू के अंदर ही शेल बना के सर्व करते हैं। मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। ओके, आप पेरू का साइज देखिए सर, जो साइज का पेरू है ये, दिस इज अ जंबो साइज पेरू। ऐसे इसको कट किया हमने, तो ये पूरा का पूरा इसका बीज और सारा का सारा पल्प जो है, हम इसको निकाल लेते हैं अंदर से। ओके, और इसका प्रॉपर एक शेल बन जाता है। ओके, अब वैसे के वैसे अब मैं इसको बताता हूँ। के बीज निकालना क्यों और अंदर से ज़रूरी है, पूरे बीज तक जब तक निकलता नहीं जब तक शेल बनाना पड़ता है। अच्छा, बिकॉज जब दांत में वो बीज थोड़े से फंसते हैं, काफ़ी लोगों के दांतों में फंस जाते हैं। ओके, क्या प्राइस रहता है इसका? इसका 100 रुपीज़ रहता है और ये रिफिल भी होता है। ओके, ऐसा नहीं एक बार रिफिल करते हैं और कोई कस्टमर बोलता है, काफ़ी कस्टमर्स को अच्छा लगता है तो बोलते हैं कि भाई और डाल दो, तो डाल देते हैं ऐसा। तो वापस 100 रुपीज़? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके ओके, तो ये हमारा, आप देखिए ये हमारे सेल बने हैं। ओके, अब इसका जो भी हमने निकाला है मैं इसको मिक्सर के जार में डालूंगा। अब इसमें थोड़ा सा जाता है शुगर। ओके, शुगर की क्वांटिटी डिपेंड करती है आपके ऊपर, आपको डालना है नहीं डालना है। अगर ज़्यादा मीठा चीज़ किसी को तो ज़्यादा कर देते हैं, तो थोड़ा आइस ज़्यादा लगता है क्योंकि ठंडा बहुत अच्छा लगता है ये। देखिए इसका जो शेल्स है कितने बड़े रहते हैं। ओके, और इसमें एक बार और रिफिल होता है। ओके, सो इट इज मोर देन अ ग्लास एक्चुअली देखा जाए तो। ये स्पाइसी अगर किसी को कम चाहिए तो हम कम कर देते हैं, ऐसा नहीं है। स्पाइसी है ये? हाँ, ये थोड़ा स्पाइसी चिली गुआवा इसीलिए अपन ने किया है। तो ये इसके साथ जाएगा अंदर। तो दिस इज रेडी। अब आपको इसको ऐसे ही पीना है विद द शेल इटसेल्फ, इसी के साथ मसाले के साथ ऐसे ही पूरा पीना है। इसके बाद कोई स्ट्रॉ नहीं मिलेगी आपको, कोई स्पून नहीं मिलेगी। Okay, आप डायरेक्ट पीजिए इसको मसाले के साथ, इसका टेस्ट बहुत गजब आता है। आप ट्राई कीजिए सर इसको खाना।